दक्षिण अफ्रीका में क्यों हुई मोदी की बेइज्जती। पीएम मोदी पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस सम्मेलन में शामिल होने उस 16,000 करोड़ के जहाज पर सवार होकर गए थे। जब वो जोहानिसबर्ग के वाटरलू एयरबेस पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने दक्षिण अफ्रीका के एक मंत्री को भेजा गया। पीएम मोदी को जब ये खबर मिली कि उन्हें रिसीव करने एक साधारण मंत्री को भेजा गया तो वो गुस्से से भर गए। वो 16,000 करोड़ के जहाज से किसी दूल्हे की तरह बारात लेकर पहुंचे थे। जब उन्हें पता चला कि एक साधारण मंत्री उन्हें रिसीव करने पहुंचा है तो उन्होंने जहाज से उतरने से इनकार कर दिया। ये खबर आनन फानन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भेजी गई, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिसीव करने में व्यस्त थे। तो उन्होंने मोदी को रिसीव करने के लिए अपने एक डेप्यूटी को भेजा, फिर जाकर मोदी जहाज से उतरने पर राजी हुए। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर मोदी के लिए ये पहला झटका था। दूसरा झटका उस वक्त लगा जब ब्रिक्स फोटो सेशन में उन्हें सबसे पीछे खड़ा किया गया। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। पीएम मोदी को तीसरा झटका उस वक्त लगा जब उनसे मणिपुर दंगे पर सवाल पूछे गए और हजारों की भीड़ जमा होकर गो मोदी को, मोदी वापस जाओगे नारे लगाने लगी। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए जिसमें मोदी का अमानवीय संघी चेहरा दिखाया गया। संक्षिप्त में ये कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे ने मोदी को बताया कि दुनिया उन्हें क्लोजली वॉच कर रही है और उनके कार्य कारनामों से पूरी तरह अवगत है। मोदी अब देश और दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।